ने पालन करना शुरू किया है। एक बड़ा विषय है कि लगातार 21 दिन तक हमको अपने अपने घरों में बंद होकर के रहना पड़ेगा। असामान्य बात है, फिर भी हमारी संकल्प शक्ति के द्वारा ये सब पूर्ण हो रहा है। मेरे पास जो रिपोर्ट्स हमारी पुलिस उनको ठीक से समझाती भी है, और यदि छोटा बड़ा कोई एक्शन भी करना होता तो वो भी करते हैं। मैं उन सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इसका पालन ये हमको करना है, क्योंकि अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, अपने प्रदेश और देश की सुरक्षा, सब लोगों की सुरक्षा, ये हमारे लिए पहला विषय है। हो सकता है इन दिनों में हमको छोटी कठिनाइयाँ भी आ रही हों, घर के अंदर जो सामान है वो समाप्त होने को हो, हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुसार हमको उपलब्ध न हो रहा हो, लेकिन जितना है उसके हिसाब से हमको अपना काम चलाना है, और हमारा सारा सिस्टम आपको इन चीज़ों के लिए घर में पहुंचाने के लिए तत्पर है। हमने इसकी पूरी सप्लाई चेन इसके ऊपर पूरा ध्यान फोकस किया हुआ है। हर चीज़ आपको घर में मिलेगी, चाहे वो राशन है, किराना है, दूध पाउडर है, तरल दूध है, सब्जियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमने अपनी ओर से व्यवस्था की है। एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त दुरुस्त लगा हुआ है। कभी कोई कठिनाई भी आती है तो ये मानकर कि हम खाएंगे पिएंगे तो जीवन जीने के लिए खाना पीना है, खाने पीने के लिए नहीं जीना है। हमने जीवन जीने के लिए खाना पीना है, जितना आवश्यक है उतने उसकी उपलब्धता ये होती रहे। 21 तारीख तक इसमें हम काम करेंगे। फिर भी इस सारे काम में प्रशासन के साथ साथ सहयोग करने के लिए हमने एक अपील की थी कि वॉलंटियर्स भी अपने आप को रजिस्टर करें, और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 4 दिनों से जब से रजिस्ट्रेशन खुला है लगभग 33,000 लोगों ने अपने आप को वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर किया है, जिसमें 546 तो डॉक्टर्स हैं, 255 नर्सेज हैं, 1108 पैरामेडिकल्स हैं, होम डिलीवरी के लिए जो सहायक जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है और रजिस्टर किया है, ऐसे 4,700 हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कम्युनिकेशन ये भी एक बड़ा काम है, लोगों को इंस्पायर करना, परस्यू करना कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, इसके लिए 5,700 लोगों ने, पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए भी इतने ही 5,700 लोगों ने अपनी ऑफर जो है वो दी है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए 6,200 लोगों ने अपने आप को ऑफर किया है। हमारे जिला प्रशासन सब जगह इन वॉलंटियर्स को जहाँ जहाँ जितनी जितनी आवश्यकता है वो उनका उपयोग करेंगे, उनको सबको ये निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध को हम लोगों ने मिल करके लड़ाई लड़नी है, ताकि हम आने वाली 14 अप्रैल तक 21 दिनों का ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन को सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में, मंत्र के रूप में बदलते हुए हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, ताकि इसको हम मुकाबला कर सकें। कुछ बातें इसके लिए मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि सबसे पहला विषय किसानों के संबंध में मैं कहना चाहूँगा, किसान इस समय उनको लगता है कि उनकी फसल जो है वो कहीं ना खरीदी जाए, क्योंकि फसल तैयार खड़ी है, और तैयार फसल वर्ष भर की उनकी जो कमाई है, वर्ष भर का जो उनका साधन यापन है, वो इसी में से ही बन के निकलने वाला है, तो उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं करने की आवश्यकता। हम फसल का एक एक दाना ये खरीदने के लिए हम यानी एक प्रकार से योजना सारी हमारी बन गई है कि हम थोड़ा समय डिले हो सकता है, थोड़ा इसमें देरी हो सकती है, क्योंकि जैसा हमको पता है कि 14 अप्रैल तक ये करना संभव नहीं है, इसलिए हमने इसकी तिथियों के अंदर परिवर्तन करके कि जो प्रोक्योरमेंट है, सरसों की प्रोक्योरमेंट 15 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी, और इसी प्रकार गेहूं की जो प्रोक्योरमेंट है वो भी 20 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। अगर सब परिस्थितियाँ सामान्य रहती हैं तो हम इन तिथियों पर अपना प्रोक्योरमेंट का काम शुरू कर देंगे। उस समय तक हमें अपना जो स्टॉक है, चाहे सरसों का है चाहे गेहूं का है, क्योंकि पकी फसल को खेत में नहीं छोड़ा जा सकता, हम अपने घरों में कैसे स्टॉक कर सकते हैं, जितना संभव है, जितनी हमारी क्षमता है उसको अपने घरों में स्टॉक करें। तो इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड के जो लोगों को हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि वो कोई भी व्यवस्था करने में हमारा सहयोग करें, हमारी सहायता करें, और इसके लिए जितनी देरी होगी हम निश्चित रूप से इसका इंसेंटिव ये भी घोषणा करने वाले हैं। केंद्र सरकार को हमने लिखा है कि वो इसके लिए किसानों के लिए एक इंसेंटिव की योजना ये बनाए, और मुझे लगता है कोई ना कोई योजना बहुत जल्दी बनेगी। प्रदेश की ओर से भी
हम उस योजना के साथ जोड़ करके कोई योजना बनाएंगे ताकि आपको उसके लिए किसानों को अपनी फसल बेचकर आने वाला जो पैसा है वो बैंकों में जमा करा सकें और उस समय तक का जो ब्याज की जो माफी है केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की दोनों की बढ़े हुए समय के हिसाब से ही उसकी व्यवस्था की जाएगी। बहुत से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एक प्रकार से इस स्थिति को जूझ रहे हैं, एक युद्ध की तरह जूझ रहे हैं और उस युद्ध में उनका उद्देश्य हमको सबको सुरक्षित करना है। उस युद्ध के अंदर जैसे सेना अपने मोर्चे पर काम करती है उसी प्रकार से वो सब भी लोग लगे हुए हैं, अपनी चिंता न करते हुए हमारी सबकी वो चिंता कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा दायित्व वो निभा रहे हैं, एक सेवा का काम कर रहे हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि अपने आप को भी वो रिस्क में डाल करके वो हम सबकी सेवा कर रहे हैं। इनकी चिंता सुरक्षा करना भी हमारी अपनी जिम्मेवारी बनती है, उनके परिवारों की चिंता भी हम लोग करें और जहाँ जहाँ जो रहते हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई न आने दें उनके परिवारों को। एक घोषणा मैंने पीछे की थी कि इनको जो लोग इस प्रकार के काम में लगे हैं बस्तियों में अथवा जहाँ भी आवश्यकता है अस्पतालों में बाकी सब जगह, तो जो भी ऐसे कर्मी हैं कर्मचारी हैं उनकी एक्स ग्रेशिया 10 लाख रुपए की घोषणा मैंने की थी, उसके लिए विचार किया है कि इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए और ताकि जो बिल्कुल कोविड आइसोलेशन वार्ड्स में या फिर कोविड टेस्टिंग लैब्स में जो टेस्टिंग लैब्स हैं उनमें काम करने वाले इन लोगों को उसका राशि उसकी बढ़ाई जाए। तो हमने विचार करके डॉक्टर्स के लिए ये राशि 50 लाख रुपए की है, नर्सेज के लिए ये राशि 30 लाख रुपए और बाकी सभी कर्मचारी चाहे वो पक्की नौकरी पर कार्यरत हैं या अनुबंध पर कार्यरत हैं एक्स ग्रेशिया की राशि कोई दुर्घटना के कारण से यानी कोई ऐसा भगवान न करे कोई कठिनाई आती है तो ऐसे सब लोगों के लिए 20 लाख रुपया कर दिया गया है ताकि जो लोग इस वार्ड के अंदर पॉजिटिव पाए जाने वाले जो लोग हैं वहाँ वार्ड में जो उनकी इलाज चल रहा है या फिर जो कोविड टेस्टिंग लैब में पॉजिटिव पाए जाने के ऊपर ऐसी स्थिति में ऐसे कर्मचारियों को डॉक्टर्स को नर्सेज को इस राशि का भुगतान किया उनके परिवारों को इस राशि का भुगतान किया जा सके। जहाँ तक टेस्टिंग लैब का विषय है प्रदेश में अभी 5 टेस्टिंग लैब्स ने काम करना शुरू किया है और 3-4 दिन के अंदर 2 टेस्टिंग लैब और भी शुरू कर दी जाएंगी। प्रभु न करे यदि आवश्यकता हुई तो इन वार्ड्स को इन टेस्टिंग लैब्स को और बढ़ाने की आवश्यकता होगी वो भी बढ़ाई जाएगी। पर्याप्त मात्रा में जो वार्ड्स के अंदर बेड्स हैं आइसोलेशन बेड्स लगभग 2500 इसकी व्यवस्था की जा चुकी है और इसी प्रकार क्वारंटाइन के लिए भी 6,500 बेड्स की व्यवस्था ये हमने की है, ऐसा एक व्यवस्था के नाते आपको ध्यान कराया जा रहा है। इसी प्रकार आखिर आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत सी समस्याएं ये हमको झेलनी पड़ेंगी। गरीब परिवार जो प्रतिदिन कमाता है दिहाड़ीदार वाला व्यक्ति है मजदूर है छोटा दुकानदार है इन सब लोगों की सहायता के लिए भी हम लोग योजना बना रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये योजना पहले से चला रखी है। इस योजना में अभी तक 12,56,000 इन परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 4,000 रुपया एकमुश्त राशि इनको भेजनी शुरू की है। 2,76,000 परिवारों को ये राशि भेजी जा चुकी है, लगभग 84,46,00,000 रुपए अभी तक। इसके अतिरिक्त जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है वहाँ भी 3,85,000 लोग इनको भी राशि 1,000 रुपया प्रति सप्ताह ये भेज दी जाएगी और हर सप्ताह ये राशि भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त भी बीपीएल के
जो एक विषय हम लोगों ने जो लोग वॉलंटियर इस नाते से काम करने के लिए फील्ड में जाएंगे उनसे उनकी पहचान ये पूछी जा सकती है पुलिस के द्वारा हर व्यक्ति से जो बाहर घूमेगा बाहर जाएगा या आउटसाइड पर घर से बाहर रहेगा पहचान पूछना उनका दायित्व है। उसके लिए सभी ऐसे वॉलंटियर्स को या सरकारी अधिकारियों को पास दिए जाएंगे। आज ही सायंकाल ई पास सिस्टम की जानकारी सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दी जाएगी ताकि ई पास के माध्यम से हम उसमें रजिस्टर करके चाहे मार्केट के किराना के लोग जो सप्लाई चेन वाले हैं वो अपने वॉलंटियर्स को रजिस्टर करें अथवा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी उनको भी ई पास दिए जाएंगे ताकि उस ई पास को डाउनलोड करके अपने आधार कार्ड के साथ हम अपने घर के बाहर जा सकेंगे। सप्लाई चेन के लिए जो लोग किराना ग्रोसरी मिल्क केमिस्ट शॉप आदि इन सामान की सप्लाई करने के लिए जो अपने आप को ऑफर करेंगे उन सब के लिए भी हमने एक व्यवस्था की है कि ऐसे सब किराना के लोगों को इनको हम लोग रजिस्टर करने के लिए एक वेबसाइट इसका लॉन्च कर रहे हैं और अभी उस वेबसाइट का लॉन्च ये मैं करने जा रहा हूँ जो नाम है covidsshariana.in covidsshariana.in ये इसका IPL एड्रेस रहेगा। इसको खोल करके हम अपना रजिस्टर करने की जो बात आएगी उसमें ध्यान करें दो रजिस्ट्रेशन के उसमें आइकन होंगे एक में किराना और मिल्क केमिस्ट शॉप रजिस्ट्रेशन है दूसरे में वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन है। तो चाहे वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन करें चाहे किराना और ये जो दुकानदार जिन्होंने सप्लाई करना वो उसमें रजिस्टर करेंगे ताकि उनकी जानकारी वो सब ग्राहकों को अथवा जिन लोगों को सामान चाहिए उनके पास उपलब्ध होगी उनके इलाके के हिसाब से मोहल्ले के हिसाब से उनकी सूचियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। जहाँ भी वो फ़ोन करेंगे वहाँ से उनको सामान वॉलंटियर के द्वारा उनके घर पर ये भेजा जाएगा। तो ये भी एक व्यवस्था मैनेजमेंट की हमने की है। पावर डिपार्टमेंट उनकी ओर से भी एक योजना बनाई गई है क्योंकि कैश काउंटर्स पर भीड़ लगने की एक संभावना ये हमेशा बनी रहती है तो उन्होंने आज से अपने सब कैश काउंटर ये बंद किए हैं और साथ ही एक सूचना दी गई है कि सभी कैशलेस तरीके से डिजिटल तरीके से और अपने अपने बिलों का भुगतान करें। ये सब कंज्यूमर नेट बैंकिंग के माध्यम से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेटीएम बिल डेस्क BBPS नेफ्ट और RTGS इस माध्यम से बिलों का भुगतान कर सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद जो कैश काउंटर खुलने की बात आएगी वो सामान्य स्थितियां होने के बाद ही खुल पाएंगे। इस बीच में 14 अप्रैल से पहले जो लोग नेट इस प्रकार के इंटरनेट के माध्यम से नेट बैंकिंग के माध्यम से या डिजिटल माध्यम से अपनी पेमेंट करेंगे उन्होंने एक सुविधा और दी है कि 2% बिल के ऊपर कटौती करके अगले बिल में और उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा ये एक छूट दे दी जाएगी। उसमें 20 रुपए से लेकर के अधिकतम राशि 100 रुपए तक का रिबेट ये मिलेगा चाहे राशि कोई भी एक बिल की हो 2% अर्थात मिनिमम 20 रुपए अर्थात 1000 रुपए से नीचे के बिल 1000 रुपए तक वो सबको 2% का 20 रुपए मिलेगा और 5000 रुपए की राशि तक 100 रुपया मिलेगा और इससे ऊपर के सब बिलों के ऊपर 100 रुपए की कटौती ये अगले बिलों के अंदर कट करके आएगी। इसलिए निवेदन है कि हम लोग अपने घर बैठे हुए और ऑनलाइन पेमेंट डिजिटल पेमेंट इसको करने का अभ्यास बनाएं ताकि डिपार्टमेंट को भी कठिनाई ना आए और हमको भी उसका जो छोटा रिबेट है वो मिल सके। आने वाले दिनों में मैं अपनी ओर से आपसे लगातार संपर्क बनाकर रखूँगा।